यस संजीव भाई, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, ऑल गुड, ऑल परफेक्ट। करें शुरुआत आगे के क्वेश्चंस के साथ। होपफुली आपने जो है, जो बोल्ड वाले नहीं थे उनको ट्राई किया होगा, होपफुली। अर्पित देख लेता हूँ। चलिए करें शुरुआत। ओके है ना, तो भारती पूछ रही है क्वेश्चन नंबर 53। क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 53 है। मिस्टर रमेश इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी इन इंडिया, रिसीव 2 लैक्स फ्रॉम टी बोर्ड टुवर्ड्स रिप्लेसमेंट ऑफ टी बुशेज डिस्ट्रॉयड बाय फॉरेस्ट फायर। तो टी बोर्ड से जो पैसा मिला है इसके लिए कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है। आज वापस ही हुआ नवले ब्रिज पर, क्या बात कर रहे हैं, कुछ तो लफड़ा है ना। क्वेश्चन नंबर 53 जो है, इसमें हमने क्या बोला है कि अगर टी बोर्ड से आपको पैसा मिलता है ना, टी बोर्ड से अगर आपको पैसा मिल रहा है तो उसके लिए कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है, मतलब टी बोर्ड वाला अमाउंट हो जाएगा फुल्ली टैक्सेबल है ना। कहीं पर भी टी बोर्ड से पैसा मिला हुआ एग्जेम्प्ट नहीं कहा जाता है। ओके, तो देखिए आप आ जाइए पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 97 तक तो आपने देख लिया था, हमने को पार्टनरशिप फर्म से स्टार्ट करना था। तो पेज नंबर 6.15 पर आइए, पेज नंबर जो है 6.15 पर आ जाइए। एंड यहाँ पर आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 99, एंड यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 99 सॉल्व करेंगे इसको है ना। क्वेश्चन नंबर 99 जब तक सॉल्व करेंगे, एंड बीच में डाउट आया किसका, प्रेरणा का। प्रेरणा कौन सा कह रही है, क्वेश्चन नंबर 94 देख लेता हूँ। ठीक है, अनुष्का का भी 94 आया हुआ है। वैसे नोट पढ़ा क्या आपने इसका, नोट में लिखा हुआ है कि अगर भाई बी और डी दोनों हो सकते हैं तो सॉल्व करने की जरूरत है क्या, जून 21 न्यू सिलेबस का है। केशव भाई चिपका के रखो उसको, टीडीएस टीसीएस को तो चिपका के रखना पड़ेगा आपको, तो याद होगा, अदरवाइज नहीं। 94 में दो आंसर क्यों है, अजम्पशन लिया होगा कुछ तो ना, कुछ तो अजम्पशन बेस्ड होगा फॉर श्योर। ओके चलिए सुनिए, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 94 जो है, उसमें क्या है, ब्राउनी प्रोसेसेस लिमिटेड पेड 4.5 लाख एस कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस टू मार्टिन, इट डिडक्टेड टैक्स एट सोर्स एट 1% फॉर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड अप टू 30 अप्रैल 2021 ऑफ 1.5 लाख एंड डिड नॉट डिडक्ट टैक्स ऑन द सब्सिक्वेंट पेमेंट ऑफ 3 लाख। मैंने बची हुई 3 लाख पर उन्होंने जो है टीडीएस का पेमेंट नहीं किया है। हाउ मच ऑफ द एक्सपेंडिचर वुड बी एडेड टू द इनकम, मतलब कि क्या करेंगे भाई, टीडीएस के कारण कितना डिसअलाउ होगा है ना। आपने जो है टीडीएस का यहाँ पर डिफॉल्ट कर दिया है तो कितना एक्सपेंडिचर आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है क्या मार्टिन रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, बताओ आपने को कहाँ बोला है कि मार्टिन रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। मैंने कुछ नहीं बोला है ना, क्या बोल रहे हैं कि 12 बजे तक हाजरा, अप्रोक्सीमेटली 12 बजे तक। चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, अपने को ये नहीं बताया ना कि मार्टिन रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, तो क्योंकि नहीं बताया इसलिए दोनों आंसर सही है, क्योंकि नहीं बताया इसलिए दोनों आंसर सही हो सकते हैं, अजम्पशन बेस जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर एनआर रहा तो 100% हम जो है डिसअलाउ करते थे, मतलब 3 लाख, और अगर इसको रेसिडेंट माना गया तो सिर्फ 30% होगा, मतलब कितना, 90,000। तो आईसीएसआई ने दोनों आंसर यहाँ पर सही माने थे, आईसीएसआई के सजेस्टेड में उन्होंने दोनों आंसर सही माने थे। क्लियर है, चलिए।
अब उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 99 में। क्वेश्चन नंबर 99 में दी बुक प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज 1,20,000। मैंने बुक प्रॉफिट कितना है भाई 1,20,000 का। एक्चुअल रेमुनरेशन पेड टू वर्किंग पार्टनर इज 354। ओके, तो बुक प्रॉफिट आपका था 1,20,000, एक्चुअल रेमुनरेशन पे किया था 354। सो दी अलाउएबल डिडक्शन अंडर 40B वुड बी कितना होगा, याद है आपको पार्टनरशिप फर्म वाला? पार्टनरशिप फर्म वाले में एक तो हम लोग बुक प्रॉफिट निकालते थे, फिर बुक प्रॉफिट जो भी आता था उसके ऊपर कुछ हम है ना स्लैब डिसाइड करते थे कि आप इतना रेमुनरेशन पे कर सकते हो। तो कैसे निकालते थे याद है आपको, कैसे निकालते थे भाई याद है आपको? है ना, तो अगर आपका बुक प्रॉफिट 3 लाख तक आता है तो उसमें कैसे निकालते थे, उसका 90% जो भी आया या फिर 1.5 लाख विच एवर इज हायर एंड मोर देन 3 लाख जो रहा ओवर एंड अबव उसका 60%। मतलब ओवर एंड अबव जो 3 लाख रहेगा उसका कितना भाई 60%, करेक्ट है? तो यहाँ पर क्या बोला आपने को बुक प्रॉफिट कितना आया 1,20,000 रुपये। तो 1,20,000 का 90% या फिर 1.5 लाख विच एवर इज हायर, तो कितना हो जाएगा आंसर 1.5 लाख। तो कितना रेमुनरेशन आप बांट सकते हो, तो आप 1.5 लाख रुपये बांट सकते हो, आप जो यहाँ पर 1.5 लाख रुपये अराउंड बांट सकते हो। बोलिए चले हम आगे, ये भी क्लियर है? चल हो गया क्वेश्चन नंबर 99। अब क्वेश्चन नंबर 101 पर आते हैं, इसमें भी सेम है, ये भी आप कर लो है ना फटाफट से 101। देन 102 देखता हूँ मैं, 101 भी कर लो आप, काफी इजी है। देन 102 जो है उस पर फोकस करते हैं। करिए आप इसको, एक मिनट में, एक मिनट पानी लाता हूँ। हो गया डन, कोई दिक्कत कोई समस्या तो बताइए।
चलिए भाई करें शुरुआत हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, अच्छी हो गया ना, 101 हो गया होगा। 102, अ पार्टनरशिप फर्म इज अ नेट प्रॉफिट ऑफ 6,20,000, 6,20,000 दिया हुआ है बिफोर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 15%, 1.5 लाख रुपए का, एंड वर्किंग पार्टनर सैलरी ऑफ 1,80,000 एज पर द डीड ऑफ पार्टनरशिप। सो द टोटल इनकम ऑफ द फर्म चार्जेबल टू टैक्स वुड बी। तो अपने को यहाँ पर जो इनकी टोटल इनकम पूछा है और अब बोला है कि अभी तक ये माइनस नहीं किया है ना, अभी तक जो है ये माइनस नहीं किया है। तो देखिए अपने को दिया हुआ है गिवन प्रॉफिट कितना, 6,20,000 रुपये, ठीक है, और ये आपका है नेट प्रॉफिट। तो अपने को तो बुक प्रॉफिट निकालना पड़ता है, सही है ना, अपने को तो यहाँ पर जो क्या है बुक प्रॉफिट निकालना पड़ता है। एंड बुक प्रॉफिट निकालते टाइम अगर कुछ कुछ चीज़ें हम जो है यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, मतलब अदर हेड्स की अगर कुछ इनकम है तो उसको वहाँ से हटा देते हैं, है ना, देखो है ना, अदर हेड्स की अगर कुछ इनकम है तो उसको वहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। देन आपका जो रेमुनरेशन है अगर माइनस किया हुआ रहता तो एडबैक करते थे, इंटरेस्ट अगर अभी तक माइनस नहीं किया है तो इंटरेस्ट माइनस करना है, क्रेडिट फॉरवर्ड लॉसेस आपको अलाउड नहीं है, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन अलाउड है, याद है ना, अदर हेड्स की इनकम को हटाना होता है, ठीक है। पार्टनर्स का रेमुनरेशन अगर ऑलरेडी माइनस करके बैठे हो अगर, तो एडबैक करना है, ठीक है। इंटरेस्ट आपको मैक्सिमम 12% तक अलाउड है ना, माइनस किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आप करना है, ठीक है। एंड उसके अलावा कैरिड फॉरवर्ड लॉस अलाउड नहीं है, लेकिन अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अलाउड है। तो ये सारा का सारा करने के बाद आपके पास जो यहाँ पर है ना बुक प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इंटरेस्ट है 15% के हिसाब से 1.5 लाख, ठीक है। तो 12% तक अलाउड है और अभी तक माइनस नहीं किया तो माइनस करना है ना, 12% तक अलाउड है, अभी तक माइनस नहीं किया तो अब करना है। तो 12% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 1,20,000, करेक्ट है, 12% के हिसाब से हो जाएगा आपका 1,20,000, सही है। तो ये अपन माइनस कर पाएंगे, करेक्ट है, ये जो है अपन माइनस कर पाएंगे। एंड रेम्यूनरेशन अभी तक माइनस किया है क्या, रेम्यूनरेशन जो है अभी तक माइनस किया है क्या, नहीं किया ना, तो माइनस करना भी नहीं है, रेमुनरेशन अभी तक माइनस नहीं किया है तो अच्छी बात है, करना भी नहीं है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 5 लाख रुपए, परफेक्ट, ये आपका आ जाएगा कितना, 5 लाख रुपए। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना इसमें, वर्किंग पार्टनर की सैलरी थी 1,80,000, टोटल इनकम तो फर्म चार्जेबल टू टैक्स बोर्ड भी अपने को पूछा है, ओके। तो कितना हो गया, 5 लाख रुपए। अब इसमें से आप कितना पैसा बांट सकते हो, मतलब कितना रेमुनरेशन आपको अलाउड है, तो 3 लाख तक 90% मैक्सिमम, एंड 2 लाख तक, ऊपर के 2 लाख पर 60%, तो 1.5 लाख और 90% इज 2,70,000, और 2 लाख का 60% इज 1,20,000, तो टोटल हो गया 3,90,000, है ना, 3,90,000 तक अलाउड है आपका रेम्यूनरेशन जो है वो 3,90,000 तक अलाउड है, सही है। रिया वो प्रोविजन में, रिया 1.5 लाख की लिमिट जो प्रोविजन में, तो 3,90,000 तक आपको अलाउड है। एंड आपने देखिए एक्चुअल पे ही कितना किया है, एक्चुअल रेमुनरेशन आपने पे ही कितना किया है, तो 1,80,000 किया है ना आपने, एक्चुअल रेमुनरेशन जो पे किया है ना, एक्चुअल रेमुनरेशन जो आपने पे किया है वो 1,80,000 किया है ना, ठीक है। तो इतना ही अलाउड रहेगा क्योंकि आपका पेमेंट कम है, तो इतना ही अलाउड है आप को, कितना अलाउड था माइनस करने के लिए, 3,90,000 तक अलाउड है। एंड आपने एक्चुअल पेमेंट 1,80,000 किया तो इतना ही माइनस करेंगे, ठीक है। तो अपने को पूछा क्या है, अपने को पूछा क्या है, फर्म की टोटल इनकम बताओ। तो फर्म की टोटल इनकम है 6,20,000, है ना, तो ये आपका आंसर,
ओके, तो ये है आपका आंसर। ठीक है, देखिए इसको ध्यान से फटाफट से। चलिए भाई, क्लियर हो गया, बताइए यस नो। भूमिका कौन सी वाली बेटा, भूमिका कौन सी वाली क्लास बोल रहे हो आप? चलिए, है ना, तो ये वाला आपका था क्वेश्चन 102। सबको समझ आया, किसी को डाउट नहीं है ना? अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 106 पर, आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 106 पर। मोदी सर की शादी के बाद प्लान करेंगे ही ना, बट फॉर द टाइमिंग जो पुराना वाला है वो देख तो लो। पुराना वाला जून 22 वाला सेम ही है, मैं तो पहले से कह रहा हूँ सेम ही है। जून 22 दिसंबर 22 में कोई चेंज नहीं है। फॉर द टाइमिंग आप देख सकते हो। ओके, चलिए, लेक्चर 10 साढ़े 10 तक अप्रोक्सीमेटली। तो 106 है, मुरलियन को अ पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्टनर्स इज एंगेज इन टेक्सटाइल ट्रेड। इट्स नेट प्रॉफिट बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड वर्किंग पार्टनर सैलरी, मतलब बिफोर अलाउिंग, तो अभी तक माइनस नहीं किया है। क्या क्या माइनस नहीं किया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं किया है, वर्किंग पार्टनर की सैलरी माइनस नहीं किया है। ₹9 लाख, तो पहले नेट प्रॉफिट कितना गया इनका? 9 लाख रुपए। द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा है। इट प्रोवाइड्स फॉर वर्किंग पार्टनर सैलरी एट 25,000 पर मंथ फॉर ऑल दी 3 पार्टनर्स। एंड ये अपने पार्टनर्स को कितना कितना देते हैं? हर महीने 25,000 रुपये देते हैं। द इनकम ऑफ द फर्म आफ्टर अलाउंस ऑफ वर्किंग पार्टनर सैलरी वुड बी, तो भाई फर्म की टोटल इनकम पूछा है, December 17 का क्वेश्चन है, मतलब कितना अलाउड होगा वो सब निकालो, उसके बाद हमको बताना कि आप कितना माइनस कर सकते हो। ना हम लोग जा रहे हैं कल सुबह, हम लोग जा रहे हैं कल सुबह, है ना, देखो इसको ट्राई करो आप। सॉरी, इसको ट्राई करिए आप। हाँ, 1 मिनट लीजिए, इसको ट्राई करिए, नहीं तो मैं सॉल्व करता हूँ। केशव का आ गया, ठीक है ना, बाकी लोग भी प्लीज ट्राई करिए इसको। किसी को डाउट, दिक्कत, समस्या हो तो बताइए। कल से 4 दिन कोई एमसीक्यू सेशन नहीं है, कल से तो कोई भी नहीं है ना, फिर वापस आने के बाद लेंगे ना, 4-5 दिन आपका नहीं होगा, फिर वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे। गया 270, कोमल का भी आ गया ना, कोमल का भी आ गया 270। देखो, आप लोगों को अपने पास यहाँ पर गिवन प्रॉफिट जो है वो दिया हुआ है 9 लाख रुपए का, ठीक, और रेम्यूनरेशन अभी तक माइनस नहीं किया है, इसमें से रेम्यूनरेशन अभी तक माइनस नहीं किया है, तो अभी हम करेंगे भी नहीं, ठीक, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं बुक प्रॉफिट। अपने अगर निकालना है बुक प्रॉफिट तो उसमें ये माइनस नहीं होता है,
अगर माइनस किया हुआ रहता तो उसको ऐड बैक करते थे, अगर माइनस किया हुआ रहता तो उसको ऐड बैक करते थे। प्राची 2 मिनट रुक जाओ। अगर माइनस अगर किया हुआ रहता तो हम उसको ऐड बैक करते थे, अभी तक उन्होंने माइनस नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका बुक प्रॉफिट भी 9 लाख ही है, आपका बुक प्रॉफिट भी 9 लाख है, इसके अलावा तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं। तो स्टार्टिंग के 3 लाख पर 90%, तो 2,70,000, एंड बचे हुए 6 लाख पर 60%, तो 3,60,000 है ना, 3,60,000। तो 270 एंड 360 हाउ मच, आपका 6,30,000। तो ये क्या है, इतना ना रेम्यूनरेशन अलाउड है, इतना रेम्यूनरेशन अलाउड है, इतना माइनस कर सकते हो, इतना रेम्यूनरेशन अलाउड है, इतना माइनस कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक्चुअल रेम्यूनरेशन कितना दिया है, आपने जो यहाँ पर एक्चुअल रेम्यूनरेशन कितना दिया है, तो आपने 25,000 रुपये इंटू 3 पार्टनर इंटू 12 महीने, तो 75,000 इंटू 12 इज 9 लाख। तो 9 लाख एक्चुअली आपने दिया है, 9 लाख आपने एक्चुअली दिया है, बट अलाउड कितना है, तो 6,30,000 अलाउड है, लेकिन अलाउड कितना है, 6,30,000। देयरफॉर मैंने पार्टनरशिप फर्म की जो टोटल इनकम आएगी वो 9 लाख जो गिवन प्रॉफिट था माइनस रेम्यूनरेशन अलाउड, मैंने मैक्सिमम कितनी माइनस कर सकते हो, 6,30,000। तो मैक्सिमम रेम्यूनेशन कितना माइनस करना आपको अलाउड है, 6,30,000। तो आपका आंसर आ जाएगा 2,70,000। तो यहाँ पर पूछा है फर्म की टोटल इनकम बताओ, यहाँ पर अपने को पूछा है कि फर्म की जो है टोटल इनकम बताओ, तो ये आपका आ गया 2,70,000 रुपये। बोले क्लियर, समझ आया, यस और नो आया ना, ऑल गुड ऑल परफेक्ट। चलिए दीपा यादव, 1 मिनट, बेबी केशरी करवा दूंगा मैं, मैंने हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में करवा दूंगा, चिंता ना करो, बोर्ड से और थोड़ा साइड हो जाए, ठीक है। चले मैं आगे, ओके। अभी एक क्वेश्चन आया था किसका, 105 का आया था ना, अभी एक डाउट किसमें आया था, 104 या 105, वन जीरो नाइन में आया था क्या, ठीक है। बोल्ड वाला ये तो आपको पूछने की जरूरत नहीं, अलग से है ना, जो जो बोल्ड है वो तो मैं करवाऊंगा ही बाय डिफॉल्ट, आप नहीं भी बोलोगे तो। उसके अलावा कोई ना, उसके अलावा कोई नहीं आया था ना, 105, ओके। प्राची का यहाँ पर डाउट है 105 का, ओके देख लेते। तो मिस्टर विजय इज अ पार्टनर इन टूल्स एंड को, अ पार्टनरशिप फर्म इन मुंबई, ही रिसीव 30,000 एज शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम फर्म फॉर एवरी ईयर एंडेड 31 मार्च, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ही ऑल्सो रिसीव इंटरेस्ट एट 12% पर एनम ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड एंड अमाउंट बींग 24,000। हिज इनकम फ्रॉम द फर्म इंक्लूडेबल इन इंडिविजुअल असेसमेंट इज, देखिए ये प्रोविजन बड़ा सिंपल सा है। प्रोविजन का कहता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म है ना, पार्टनरशिप फर्म अगर उसके पार्टनर को यहाँ पर प्रॉफिट दे रही है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट पार्टनर के हाथ में होता है एग्जिम, प्रॉफिट जो है पार्टनर के हाथ में होता है सारा का सारा एग्जिम, ठीक है। एंड इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन ये हो जाता है टैक्सेबल, इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन पार्टनर को जो भी मिलता है ये हो जाता है टैक्सेबल। तो ये क्या कहते हैं कि इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन जितना फर्म को अलाउड है, जितना फर्म का खर्चा होता है उतना पार्टनर के लिए टैक्सेबल होता है, जितना फर्म का खर्चा होता है उतना पार्टनर के लिए टैक्सेबल होता है, एंड जितना फर्म को डिसअलाउड होता है, जितना फर्म को हम मना कर देते हैं उतना पार्टनर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। तो ये प्रोविजन है। अरे यार
आईपैड जा रहा था, आपने बताया भी नहीं, बताओ, हद हो गई। अभी एक दो मिनट लेगा है ना, अभी एक दो मिनट लेगा, तो मुझे बताओ समझ आया है ना, क्लियर हुआ गया। तो पार्टनर को जो प्रॉफिट मिला था, 30,000 जो इनकम का शेयर मिला था वो एग्जेम्प्ट था, एंड 24,000 जो इंटरेस्ट था, जो पार्टनरशिप फर्म का खर्चा है, तो पार्टनर के लिए टैक्सेबल मान लिया जाता है। ठीक है, 105, 106 का डाउट आ रहा है, ठीक है करवा देता हूँ है ना, 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट में ये जो चार्ज हो जाएगा, जब तक आप आई के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जब तक जो आप आई क्वेश्चन सॉल्व करना, मुझे 2 मिनट दें, तब तक ये स्टार्ट हो जाएगा एटलीस्ट। गाइस जब तक आगे के सॉल्व करिए प्लीज, हमें जो बोल्ड वाले नहीं है उसके अलावा जो भी हैं उसको सॉल्व करिए प्लीज फटाफट से।
चलिए डन, करने का सॉल्व। एक मिनट, मैंने एक एक करके, एक मिनट, 105, 106 ये दो भी पेंडिंग थे। मैंने 105, 106 ये भी डाउट में पूछा था आपने, फिर 111 ना उसको भी कर लेते हैं। ओके, 106 तो अपन ने किया, 105 भी अपन ने कर लिया ना, ये दोनों भी डन है। अपन 105 भी हो गया, 106 भी हो गया, देन 109 पर आते हैं, फिर 111 पर आते हैं। देखिए जो ऑलरेडी बोल्ड है वो आप नहीं पूछेंगे ना तो भी चलेगा, बोल्ड वाले में एनीवेज आपको करवाने जाना हो। चलिए चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 109 है, यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि राम एंड कंपनी कॉन्स्टिट्यूटेड बाई टू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली डिक्लेयर नेट लॉस ऑफ 20,000। भाई यहाँ पर क्या करें, नेट लॉस दिखा रहे हैं 20,000 रुपये का, आफ्टर चार्ज ऑफ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ, और उसमें से क्या ऑलरेडी माइनस हो चुका है, 10,000 पर मंथ पेड टू ईच ऑफ द वर्किंग पार्टनर, ये आप ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी वाइल कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ फर्म विल बी अलाउड ऑफ रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या बोला है, यहाँ पर क्या बोला है कि अपना जो लॉस आ रहा है कितना आ रहा है, 20,000 रुपये, अपना जो यहाँ पर लॉस आ रहा है वो आ रहा है देखिए 20,000 रुपये। ठीक है, अब इसमें हम ऑलरेडी क्या माइनस करके बैठे हैं, तो 10,000 पर मंथ की सैलरी इंटू 12 महीने इंटू 2 पार्टनर, ये आप ऑलरेडी माइनस करके बैठे हो, तो माइनस करना अलाउड नहीं रहता है, तो अगर माइनस करके बैठे हो तो उसको एडबैक करना पड़ता है। अगर माइनस करके बैठे हो तो उसको क्या करना पड़ता है, एडबैक करना पड़ता है बुक प्रॉफिट निकालने के लिए। तो ये आपका 240,000 हो जाएगा वैसे, तो 240,000 हम एडबैक करेंगे, 240,000 को हम एडबैक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 220,000। 240,000 को अगर आपने यहाँ पर एडबैक किया, मतलब 240 को अगर आपने एडबैक किया तो कितना हो जाएगा, 220,000। ठीक है, तो अब आपको आगे बताइए, मतलब 3 लाख तक कितना हो जाता है, 3 लाख तक 1.5 लाख, और इसका 90% विचएवर इज हायर, मतलब विचएवर इज हायर, तो 1.5 लाख, या फिर इसका 90% इज 1,98,000, इसका 90% इज 1,98,000 विचएवर इज हायर, तो कितना आपको रेमुनेशन अलाउड है, तो 1,98,000 का रेमुनेशन आपको अलाउड है। चलिए सुनिएगा, मैंने क्लियर हुआ नहीं वाला, ये वाला क्लियर है ना, अब देखिए आगे। देखो नेक्स्ट 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 अपने पास क्वेश्चन नंबर 10, ये तो हो गया, देन 111, मैंने 111 में को पूछा है, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ ट्रेडिंग फर्म फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 21/22, जून 21 होल्ड से क्वेश्चन है। नेट लॉस बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी पेड टू द पार्टनर्स इज 11,000, इंटरेस्ट पेड टू द पार्टनर्स, अभी तक देखो ये माइनस नहीं किया है,
इंटरेस्ट पेड टू द पार्टनर्स एट 12% पर एनम के हिसाब से 20,000 है, सैलरी पेड टू ईच ऑफ द टू पार्टनर्स 2500 पर मंथ, है ना, 2500 पर मंथ मतलब 60,000 रुपये। द फर्म हैज नो अदर इनकम अंडर एनी हेड, है ना, और अपने को फर्म की जो है यहाँ पर टैक्सेबल ट्रेडिंग इनकम पूछा है, तो करोगे आप ट्राई, है ना, जब तक आप ये ट्राई करो। 110 वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कल से समझिए फॉर एग्जांपल 28 या 29 तक क्लास नहीं रहेगी, 28 या 29 तक क्लास नहीं रहेगी, है ना, अनुभव चार पांच दिन के बाद ही अपन प्लान करेंगे। अभी के लिए आप ओल्ड वाला मैराथन जून 22 वाला मैराथन देख सकते हो, है ना, जब तक आप देख सकते हो ऐसी चार पांच दिन अगर आपका जो है कुछ मैराथन वगैरह प्लान नहीं है तो उसको देख के निपटा दो। तो 110 पूछ रहे हैं, 110 में क्या है, एक्सेस ऑफ 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर अंडर द हेड, है ना, ये सब कौन से हेड में टैक्सेबल होता है, तो पार्टनर्स को जो जो भी मिलता है वैसे पीजीएफ में होता है, लेकिन है ना एक्सेस ऑफ 12% मतलब मोर देन 12% कुछ खर्चा रहा ना एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट का, तो फर्म को वो डिसअलाउड रहता है। देखो अभी जो मैंने आपको बताया था, फर्म को डिसअलाउड है, फर्म को खर्चा दिखाना अलाउड नहीं है, तो पार्टनर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है, है ना, उतना पार्टनर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। तो जितना फर्म को खर्चा अलाउड है, जितना फर्म को खर्चा अलाउड है उतना पार्टनर के लिए क्या हो जाता है, ना, जितना फर्म के लिए खर्चा है उतना पार्टनर के लिए टैक्सेबल है, एंड जितना फर्म को डिसअलाउड है, जितना फर्म को हमने मना करके रखा है उतना पार्टनर को यहाँ पर एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, तो सेम चीज यहाँ पर है। ओके चलिए, तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, नेट लॉस बिफोर इंटरेस्ट पेड एंड सैलरी कितना है, 11,000 रुपये, है ना, 11,000 रुपये का जो है यहाँ पर आपको लॉस दिया गया है ना बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी, तो इसमें से इंटरेस्ट भी माइनस कर ही सकते हैं ना, एक तो लॉस ऑलरेडी है, और अगर बुक प्रॉफिट निकालना है, बुक प्रॉफिट निकालना है तो उसके लिए इंटरेस्ट भी माइनस करना अलाउड है, और इंटरेस्ट कितना है 20,000, इंटरेस्ट है 20,000, ये माइनस करना अलाउड है, तो 31,000 का लॉस आ जाएगा, 31,000 का लॉस आ जाएगा, ये आ जाएगा बुक प्रॉफिट, 31,000 का लॉस होगा और ये हो जाएगा बुक प्रॉफिट। दिव्या मोस्टली आज हो जाएगा, देखते हैं, ठीक है, 31,000 का लॉस है और ये क्या है आपका, ये आपका बुक प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर आपको लॉस भी आता है तो मैक्सिमम कितना आप रेमुनरेशन बांट सकते हो, तो भी मैक्सिमम कितना रेमुनरेशन बांट सकते हो आप, रेमुनरेशन इसका 90% या फिर 1.5 लाख विद एवरेज हायर, मतलब 1.5 लाख तक आप रेमुनरेशन बांटने के काबिल हो, आपको जो है 1.5 लाख तक का रेमुनरेशन माइनस करना अलाउड है, ठीक है। तो अभी आपने को बोला कि भाई फर्म की पीजीबीपी की इनकम बताओ, पार्टनरशिप फर्म की जो है पीजीबीपी की इनकम बताओ, आपको ये पूछ रहे हैं, तो अपने को देखो ऑलरेडी लॉस था 11,000 का, है ना, अब उसमें अपना इंटरेस्ट भी है 20,000 का, ये तो माइनस करना अलाउड है ही है, और अपना जो यहाँ पर रेमुनरेशन था तो कितना बांटा है, 60,000 ही बांटा है, तो ये भी विद इन लिमिट है, ना, ये वाला जो है ये भी क्या है, विद इन आपका लिमिट है, तो फाइनली फर्म का लॉस कितना आ जाएगा, 91,000 रुपीज, तो फाइनली फर्म का, है ना, फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस का जो लॉस आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो 91,000 रुपीज। बोले क्लियर हुआ, बोलिए आधा क्लियर हुआ, डन है, आप कहें तो चलें आगे। ओके चलिए, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 111। ओके अब 112 या कुछ डाउट आया था ना, नहीं 113 पर आते हैं, 158 का डाउट है, 110 मैंने करवा दिया, है ना, 113 पर आइए, 113 पर आइए, वेयर द पेमेंट ऑफ एन एक्सपेंडिचर क्लेम्ड एज डिडक्शन बाय एनी एसएससी कैरिंग ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन अदर देन हु इज इन ट्रांसपोर्ट बिजनेस एक्सीड 10,000 इट शुड बी पेड बाय, तो ये तो सिंपल सा फंडा है, 48(3) वाला है, ये 43 वाला फंडा है कि भाई अगर अपने को 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट करना है तो किससे करना चाहिए, तो क्रॉस्ड चेक ड्राफ्ट नहीं चलता है, क्रॉस नहीं चलता है, अकाउंट पे चल जाता है, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट बिल्कुल एनी टाइम, अकाउंट पे चेक, है ना, सिर्फ इसमें एक ही नाम है और उसमें दो नाम है ना, इसमें एक ही नाम है, सी वाले में एक ही नाम है, बी वाले में दो नाम है, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट बी है,
सी में एक ही नाम है, बी में दो हैं, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट बी है, तो इसलिए आपने यहाँ पर टिक किया बी। ओके हाँ जी हिना जी, ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, कोशिश करते हैं और मोस्टली हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया 115। तो व्हेन अ कैश पेमेंट ऑफ 15,000 इज मेड ऑन 10th मे, है ना, तो ये सारे आपको 43 वाले। तो व्हेन अ कैश पेमेंट ऑफ 15,000 इज मेड ऑन 10th मे 2021 टुवर्ड्स परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इफेक्टेड इन द अर्लियर ईयर, पहले हमने खरीदा था, है ना, पहले हमने पिछले साल में खरीदा था और इस बार पेमेंट किया और कैश में पेमेंट कर दिया, दैट इज ऑन 5 जून 2020, द अमाउंट लाइबल फॉर डिसअलाउंस, यहाँ पर कितना डिसअलाउड होगा, तो पूरा अमाउंट, है ना, 100% अमाउंट, मतलब कितना, पूरा का पूरा 15,000 डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो अगर आपने पिछले साल उधार में खरीदा था तो आपने पिछले साल P&L में डाल दिया होगा, खर्चा दिखा दिया होगा, इस साल आपको पे करना था वैसे तो बैंक से, लेकिन आपने कैश में पे कर दिया, तो अगर आपने कैश में पे कर दिया तो और 10,000 से ज़्यादा है तो पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। चलिए अब देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया 118। अब आपके पास क्वेश्चन है 118 जून 2017 का क्वेश्चन है। राजू सक्सीडेड टू द बिजनेस ऑफ हिज फादर रामू, है ना, रामू जो फादर है, अब उनका बेटा राजू इसमें बैठ रहा है, बिकॉज ऑफ डिमाइज ऑफ रामू ऑन 1 फरवरी 2022। राजू रिकवर्ड 30,000 ड्यू फ्रॉम कस्टमर विच वॉज रिटर्न ऑफ बाय लेट रामू, मतलब जब रामू जो उनके फादर थे तब बैड डेट हुआ था, और जब सन बैठ रहा है तो बैड डेट की रिकवरी हो रही है। अब बेटा यहाँ पर बैठ रहा है तो बैड डेट की आपको यहाँ पर रिकवरी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है द अमाउंट रिकवर्ड इज, ये जो अमाउंट आपका रिकवर होता है, ये जो आपका अमाउंट रिकवर होता है, तो एक्चुअली केस लॉ है, ये ओल्ड सिलेबस का था वैसे, माना ये जो आपको अमाउंट रिकवर होता है ये आपके लिए हो जाता है एग्जेम्प्ट। ओके, तो केस लॉ में ऐसा बोला था कि अगर आपके, है ना, पूर्वजों को कुछ बैड डेट हुआ था एंड अगर आपको बैड डेट रिकवरी हो रही है तो वो आपको टैक्सेबल नहीं किया जाएगा, और आपके हाथ में अगर बैड डेट की रिकवरी हो रही है तो आपके हाथ में वो टैक्सेबल जो है वो नहीं किया जाएगा। तो ये एक केस लॉ का डिसीजन है। ठीक है, डन। तो इसको ऐसा प्रोविजन याद रख लेना कि दिस विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इसको ऐसा प्रोविजन याद रख लेना कि भाई दिस विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट आपको दिया गया, अरुल इंडस्ट्रीज गॉट वेवर ऑफ GST ऑफ 2,20,000 फॉर द फाइनेंशियल 21-22, द अमाउंट ऑफ वेवर इज, ठीक है, GST आपको पे करना था, आपने कस्टमर से वसूल किया था, पे करना था, लेकिन उसका आपको वेवर मिल गया, तो 2,20,000 जो है इसको एग्जेम्प्ट कैपिटल रेवेन्यू नन ऑफ द अबव, तो रेवेन्यू रिसीट मानते हैं। ठीक है, इसको जो है हम रेवेन्यू रिसीट मानते हैं, मतलब जब आपको मिलता है तब इनकम मानी जाती है, जब आप सरकार के पास जमा करवा देते हो, है ना, तब हम इसको क्या करते हैं, खर्चा मान लेते हैं। तो ये कौन से वाले पॉइंट को बिलोंग करता है, तो देखिए आपने जो कविता पढ़ी थी कि नहीं दिया सरकारी टैक्स, नहीं दिया रेलवेज ऑफ सरकारी टैक्स, बोनस कमीशन भी नहीं बांटा, है ना, देन आपने जो है PF लीव इनकैशमेंट वगैरह को भी कर दिया काटा, वो वाला जो था ना, तो वाला फंडा क्या था कि अगर ये सब चीज़ें आप पे कर देते हो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक तो आपको एक खर्चा माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर क्या बोला है कि आपको GST का जो अमाउंट मिलता है वो रेवेन्यू रिसीट होता है, एंड जब आप इसको जमा करवा देते हो तो आपको खर्चा मान लिया जाता है, लेकिन इसको कर दिया गया वेव, लेकिन इसको जो है कर दिया गया वेव, इसको त्याग दिया गया। हाँ जी, बेबी केशरी 116 में पूरा 15,000 होगा। ठीक है, तो ये आपकी रेवेन्यू रिसीट मानी जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, क्वेश्चन नंबर 120 121, है ना, सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए,
सुनिएगा, तो यहाँ पर अपने को बोला है विरेन डिसकंटिन्यूड होलसेल ट्रेड इन मेडिसिन फ्रॉम 1 जुलाई 2017, मैंने बिजनेस बंद कर दिया था 1 जुलाई 2017 को, ही रिकवर्ड रुपीज 1.5 लाख इन अक्टूबर 2021, और 1.5 लाख रुपए की रिकवरी हुई थी बीइंग अ बैड डेट विच वॉज रिटर्न ऑफ एंड अलाउड इन असेसमेंट ईयर 16-17। ठीक है, आपको 16-17 में यहाँ पर जो है क्या हुआ था, एक बैड डेट आपने राइट ऑफ कर दिया था एंड उसकी आपकी अब रिकवरी हुई है। ही हैज एलिजिबल ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस ऑफ होलसेल ट्रेड इन मेडिसिन ऑफ रुपीज 1,70,000। मतलब बेसिकली देखो क्या हुआ कि 1 जुलाई 17 को, मतलब PY 17-18 को बिजनेस बंद हुआ। ठीक है, और ध्यान रखना कि जिस साल में बिजनेस बंद होता है उसी साल का अगर लॉस हो तो वो ना लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड होता है। जिस साल में आपका बिजनेस बंद हो रहा हो और उसी साल का लॉस हो तो वो लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड होता है। ओके, तो अपने पास यहाँ पर कितना लॉस था पहले का, 1,70,000। अपने पास ये लॉस कितना था, 1,70,000। तो बाद में ना अपने को बैड डेट की रिकवरी हुई है, अपने को बाद में बैड डेट की रिकवरी हुई है कितनी, 1.5 लाख रुपये। अपने को बैड डेट की रिकवरी हुई है 1.5 लाख रुपये की। तो क्या ये जो बैड डेट की रिकवरी हो रही है क्या ये आपको एडजस्ट करना अलाउड है, क्या ये आपको एडजस्ट करना अलाउड है? आंसर इज यस। तो आपका क्योंकि लॉस देखो जीवन भर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो बाद में अगर बिजनेस के रिलेशन में, बाद में आपको जो है अगर बिजनेस के रिलेशन में किसी भी प्रकार की यहाँ पर रिकवरी मिल रही है तो उसको आप सेट ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया, बताइए यस और नो है ना। ऑल गुड, ऑल परफेक्ट, चले मैं आगे। देन क्वेश्चन नंबर 121 है आपका, समीर सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000 एट क्रेडिट ऑन 1 अप्रैल 2017। हाउएवर ही हैज रिटर्न ऑफ 10,000 ऑफ इट्स बैड डेट्स एंड क्लेम्ड डिडक्शन फॉर द सेम ड्यूरिंग 18-19। 10,000 जो है उसने बैड डेट्स दिखाया था ऑन 4 अप्रैल 2021, डिफॉल्टिंग डेटर मेड पेमेंट ऑफ ₹45,000। द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ बैड डेट्स रिकवर्ड फॉर द ईयर 21-22। तो यहाँ पर क्या था, समीर ने 50,000 के गुड्स जो है बेचे थे उसमें से, लेकिन उसको रिटर्न ऑफ के लिए कितना मिला, सिर्फ 10,000 ही मिला। तो देखो ये सिमिलर टाइप के केस हम क्लास में कर चुके हैं कि समीर को ₹50,000 का बैड डेट हुआ था वैसे तो, लेकिन उसको सिर्फ 10,000 अलाउ किया था किसने, असेसिंग ऑफिसर ने, एंड 40,000 मना कर दिया था, 40,000 डिस अलाउ कर दिया था। ओके, देन बाद में बैड डेट की रिकवरी हो रही है ₹45,000, बाद में बैड डेट की रिकवरी हो रही है ₹45,000। तो यहाँ पर ये बंदा क्या बोलेगा कि 45,000 में से 40,000 तो वही वाले हैं जो आपने हमको पहले माइनस करने के लिए नहीं दिए थे, 45,000 में से 40,000 तो वही वाले हैं जो हम खर्चा मांग रहे थे लेकिन हमने दिया नहीं, तो ये आपने डिसअलाउ कर दिया था। डिसअलाउ कर दिया था मतलब आपने ऑलरेडी टैक्सेबल कर दिया था, डिसअलाउ कर दिया था मतलब आपने क्या किया था, ऑलरेडी टैक्सेबल कर दिया था। तो अभी हम सिर्फ बचे हुए ऊपर के 5,000, 45 में से 40 तो पुराने वाले हो गए, बचे हुए सिर्फ 5,000 जो है सिर्फ इसको इनकम मानेंगे और इस पर टैक्स देंगे। ऊपर के जो 5,000 है सिर्फ इसको इनकम माना जाएगा और इस पर जो है टैक्स दिया जाएगा। क्लियर हुआ डने, बताइए भाई यस और नो है ना। ओके चलिए, तो ये आपका हो गया कौन सा, सेक्शन नंबर 121। देन नेक्स्ट आपने को दिया यहाँ पर सेक्शन नंबर 43B। 43B मतलब वो कविता वाला था, उन्होंने नहीं दिया सरकारी टैक्स, बोनस कमीशन भी नहीं बांटा वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, सारस्वत लिमिटेड, December 2015 क्वेश्चन है, सारस्वत लिमिटेड मेड प्रोविजन ऑफ 12 लाख फॉर बोनस पेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 को इन्होंने क्या किया है, प्रोविजन बनाया। देखो प्रोविजन तो एनीवेज अलाउड है नहीं, प्रोविजन अपने को इनकम टैक्स में अलाउड है नहीं, दो को छोड़ के मतलब आपका ग्रेचुटी अप्रूव होनी चाहिए या फिर ग्रेचुटी का अमाउंट पेबल होना चाहिए, या तो ग्रेचुटी फंड आपका अप्रूव होना चाहिए या फिर पेबल होना चाहिए। ओके,
प्रोविजन मैंने था 12 लाख का, उससे तो मतलब नहीं है ना। और सारे साथ लिमिटेड है, लिमिटेड मतलब ऑडिट करवाना पड़ता है क्या? कंपनी है तो टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है क्या? यस। तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, टैक्स ऑडिट अगर करवाया तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग है 31 अक्टूबर, इस वाले एग्जाम्पल में 2022। अगर आपको ऑडिट करवाना पड़ा तो 31 अक्टूबर, नहीं करवाना पड़ा तो 31 जुलाई, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन रहा तो 30 नवंबर। तो आईडी इनको क्या करना है, क्योंकि कंपनी है तो इनको टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है, तो इनके लिए आईटीआर की डेट हो जाती है 31 अक्टूबर 2022। तो अपने को ये ध्यान में रखना है। तो इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने 7 लाख रुपये पे कर दिए 31 जुलाई 2022 को। 7 लाख रुपये इन्होंने 31 जुलाई 2022 को पे किए विद इन टाइम है, 3 लाख 30 सितंबर तक पे किए, ये भी विद इन टाइम है, एंड 2 लाख 15 दिसंबर को पे किए, ये विद इन टाइम नहीं है, 2 लाख में हो गए हैं लेट। ठीक है, 2 लाख में हो गए लेट। तो 7 लैक्स प्लस 3 लैक्स आपने टाइम पर पे किया, तो ये 10 लाख रुपये आपको अलाउड है। तो यहाँ पर जो है 10 लाख रुपये आपको अलाउ कर दिया जाएगा। क्लियर डन, समझ आया? बताइए। चलें फिर आगे। ओके, देखो दिसंबर 21 न्यू सिलेबस का क्वेश्चन है ना, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, साथ में पढ़ लेते हैं ना, फिर आप एक बार ट्राई करिए। यहाँ पर बोला है नेट प्रॉफिट ऑफ हनी शुगर लिमिटेड जलगांव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इस 8,60,000 आफ्टर चार्ज ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस टू पी एंड एल। तो हमने यहाँ पर क्या बोला कि गिवन कितना है आपको, 8,60,000 रुपये, एंड आफ्टर चार्ज मतलब ये आप ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हो ना। तो क्या क्या एडजस्ट कर चुके हो, 134 अभी आ गए, थोड़ा वेट करें। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 8,60,000 है आफ्टर चार्ज ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस टू पी एड एल। इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू एस बी आई 45,000 शेल बी पेड ऑन 10 नवंबर 2022। है ना, ये कब पे करेंगे आप, 10 नवंबर 2022 को पे करेंगे, दिस इज ऑलरेडी एडजस्टेड। ठीक है, 45,000 का जो इंटरेस्ट है ये आपका ऑलरेडी एडजस्टेड है, और ये कब आप पे करने वाले हैं, 10 नवंबर 2022 को। और साल कौन सा चल रहा है, 31 मार्च 2022 को ये साल खत्म हुआ है। ठीक है, देन लाइसेंस फी टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ 50,000 वॉज पेड ऑन 25 मई 2022। तो एक तो 45,000 और एक ये 50,000, ये आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं 25 मई 2022। ठीक है, अब प्रियंका कह रही मुझे भी ज्वाइन होना है, मैं कैसे हो सकता हूँ, किस में ज्वाइन हो, टेलीग्राम वगैरह कोई तो देखो लिंक डाल देगा यहाँ पर, थोड़ा वेट करें। हनी शुगर लिमिटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 मेड पेमेंट्स ऑफ फॉलोइंग एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू अर्लियर एज, पहले वाले भी कुछ पेमेंट थे जो अभी हमने किए थे, विच हैव नॉट बीन डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट फॉर द पीरियड 21-22, जिसको हमने अभी तक माइनस नहीं किया है। पुराना कुछ खर्चा था जिसको अपन ने अभी पे किया, लेकिन है ना, विच हैव नॉट बीन डेबिटेड टू पी एंड एल, अभी के पी एंड एल में माइनस नहीं किया है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू एस बी आई ऑफ 30,000 फॉर पी वाई 20-21 वॉज पेड ऑन 10 अक्टूबर 2021। इंटरेस्ट ऑन लोन था एस बी आई का 30,000 रुपये का फॉर पी वाई 20-21, पी वाई 20-21 का था, एंड जो उन्होंने कब पे कर दिया था, 10 अक्टूबर 2021 को, मतलब अभी किया हुआ है। देन है ना, लाइसेंस फी टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ 60,000 फॉर द पी वाई 20-21 वॉज पेड ऑन 25 मई 2021, ये कब पे किया था, 25 मई 2021 को। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल था किसका, एस बी आई का 30,000 का फॉर द पी वाई 20-21 का, एंड देखो ये भी कंपनी है, अरे ये भी क्या है भाई, कंपनी है, एंड दिस वॉज पेड ऑन 10 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, एंड लाइसेंस फी टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट थी कितने की, 60,000 रुपये की फॉर द पी वाई 20-21 विच वॉज पेड ऑन 25 मई 2021। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ हनी शुगर लिमिटेड बाय टेकिंग द ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न एज 31 अक्टूबर को ध्यान में रखते हुए, और इसको एक बार ट्राई करो, इसको जो है फटाफट से एक बार ट्राई करें। आपके हिसाब से देखो एडजस्टमेंट क्या होना चाहिए, आपके हिसाब से देखो एडजस्टमेंट क्या होना चाहिए।
कैसी आवाज आ रही है कुंदू बैकग्राउंड से? अच्छा फ्यूचर में इंटरेस्ट पेबल है 22-23 में, वो अभी से ऐड किया तो 45,000 माइनस करेंगे, माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे? इसमें 10 नवंबर कर लेना, इसमें जो है ना उसको 10 नवंबर 2021 कर लेना। है ना, इसको क्या करना है, इसको 10 नवंबर 2021 कर लेना है ना। बाकी अब देखो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू SBI है ना, इसको 10 नवंबर 2021 करना है ना। बाकी आप एक बार चेक करिए, प्राची गिरी 8,60,000 प्लस 15,000 कैसे आया, प्लस 15,000 कैसे आया? करूँ क्या मैं सॉल्व? हमें गिवन है आपको 8,60,000, गिवन है आपको 8,60,000। हम 21-22 की बात करें, देन यहाँ पर देखो इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू SBI ऑफ 45,000 एंड आफ्टर चार्ज, मतलब ये सब ऑलरेडी माइनस हो चुका है। ठीक है, SBI का इंटरेस्ट 45,000 माइनस हो चुका है, बट दिस शुड बी पेड ऑन 10 नवंबर 2022। ये 10 नवंबर 2022 को आप पे कर रहे हो, तो ये विद इन टाइम है कि लेट है? अगर आप ये 10 नवंबर 2022 को पे कर रहे हो तो ये विद इन टाइम है कि लेट है? लेट है, क्योंकि हमको कब तक पे कर देना चाहिए? 31 अक्टूबर तक। हमको यहाँ पर पे कर देना चाहिए भाई कब तक? 31 अक्टूबर तक पे कर देना चाहिए। अगर आपने लेट किया है तो इस साल में डिसअलाउड होता है, तो इस साल में डिसअलाउड होता है, एंड जिस साल में पे कर उस साल में आपको अलाउड रहता है। ठीक है, तो अगर आपने लेट कर दिया तो इस साल में डिसअलाउड रहेगा। डिसअलाउड रहेगा मतलब अपने को एडबैक करना पड़ेगा, अपने को एडबैक करना पड़ेगा 45,000 रुपये। क्यों? क्योंकि हम इसको ऑलरेडी माइनस करके बैठे हैं। नहीं, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी माइनस करके बैठे हैं तो अपने को एडबैक करना पड़ेगा। कौन सा सेक्शन है? 43B वाला, जो हमने पोयम याद की थी कि भाई नहीं दिया सरकारी टैक्स, बोनस, कमीशन भी नहीं बांटा वगैरह वगैरह, तो उसमें क्या था, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक पे किया तो खर्चा इस साल मिल जाएगा, नहीं तो जब पे किया उस साल में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह आपने एडबैक किया। देन लाइसेंस फी टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट 60,000 फॉर द PY 2021 वॉज पेड ऑन 25 मई 2021, मतलब 2021 के आपने 25 मई 2021 तक पे कर दिया था, तो ये विद इन टाइम था। ये क्या था भाई, ये जो है विद इन टाइम था, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। कहाँ गया, सॉरी ये वाला, मैंने ये वाला लाइसेंस फी टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ 50,000 वॉज पेड ऑन 25 मई 2022, तो ये भी देखो विद इन टाइम था, तो इसको भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद मैंने उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, उसके बाद ये क्या करें, हनी शुगर लिमिटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस 21-22 मेड पेमेंट्स टू द फॉलोइंग एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू द अर्लियर ईयर व्हिच हैव नॉट बीन डेबिटेड। इसको अभी तक आपने माइनस नहीं किया है ना, इसको आपने अभी तक माइनस नहीं किया है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू SBI ऑफ 30,000 फॉर द PY 2021 वॉज पेड ऑन 10 नवंबर 2021। ये जो 30,000 का अमाउंट था ना, ये जो 30,000 का अमाउंट था, ये पे हो जाना चाहिए था 31 अक्टूबर 2021 को, और अगर आपने लेट कर दिया, आपने कब किया है ना, आपने किया 10 नवंबर 2021 को, तो जिस साल में पे किया उस साल में माइनस करते हैं, जिस साल में पे किया है उस साल में माइनस करते हैं। तो आपने इसको पे किया है ना अभी 21-22 में, तो अभी आप इसको माइनस कर सकते हो कितना, 30,000। अभी जो है आप क्या कर पाएंगे, इसको आप माइनस कर पाएंगे कितना, 30,000 रुपये है ना। अगर आप पिछले साल की ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक पे करते तो पिछले साल का खर्चा होता, अगर आपने लेट हो गए तो आपने जिस साल में पेमेंट किया है उस साल का खर्चा माना जाता है, यहाँ पर 30,000 आप माइनस कर पाएंगे। ठीक है, देन लाइसेंस फी टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ 60,000 फॉर PY 2021 वॉज पेड ऑन 25 मई 2021, तो ये विद इन टाइम था, ये जो है विद इन टाइम था,
पिछले साल का खर्चा है एंड आपने पिछले साल के ड्यू डेट तक पे कर दिया था तो ये विदिन टाइम था, तो इसका भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सो नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। तो आपने को 860 प्लस 45 माइनस 30 मतलब बेसिकली प्लस 15,000 करना है, तो 8,75,000 ये आपका आ जाएगा आंसर। मैंने ये आपका आ जाएगा आंसर। बोले डन, समझ आया? चले मैं आगे नेक्स्ट वाला देखें। चलो तो ये वाला आपको बनता हो गया कौन सा क्वेश्चन नंबर 125 हनी शुगर वाला। अब आपके यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह वगैरह वाला दिया गया है, तो आप देखिए पे क्वेश्चन नंबर 129, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन नंबर 129 जो है, बहुत बार एग्जाम में आता है, इसको पढ़िए आप है ना। 129 को गो थ्रू करिए आप एक बार फटाफट से है ना। प्रेजम्प्टिव इनकम वगैरह वगैरह है, देन कुछ मिसलिनियस एंड आपके अमेंडमेंट बेस्ड एमसीक्यूज। ये चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे अपन, और ये चैप्टर आप आज सारा का सारा कंप्लीट करेंगे। चलिए तो आपके ध्यान होगा कि अगर आपने जो है ऑडिट नहीं करवाया ऑडिट, तो आपको कितनी पेनल्टी देनी पड़ती है, आपको कितनी पेनल्टी देनी पड़ती है, तो जितना भी आपका टर्नओवर है उसका आधा परसेंट या फिर 1.5 लाख विच एवर इज लोअर, जितना भी आपका टर्नओवर है उसका आधा परसेंट या फिर 1.5 लाख विच एवर इज लोअर, ठीक है, ये ऑडिट ना करवाने की पेनल्टी है। और अगर बाई चांस बुक्स ऑफ अकाउंट्स की पेनल्टी पूछता कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने मेंटेन नहीं किए, तो उसकी पेनल्टी आती है 25,000 रुपये 44AA का, ठीक है 10-15 मिनट इधर उधर हो जाएगा ऋषभ, वो आपको मैनेज हो जाएगा। 44AA का बुक्स ऑफ अकाउंट है ना, 44AA का बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वहाँ पर कितनी लिमिट होती है आपके पास, मतलब पेनल्टी होती है अगर मेंटेन नहीं किया तो 25,000। और ऑडिट के लिए रहता है 1.5 लाख का आधा परसेंट ऑफ टर्नओवर या 1.5 लाख विच एवर इज लोअर। सो द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर फेलियर टू गेट्स अकाउंट्स ऑडिटेड, तो ये तो सिंपली प्रोविजन बेस्ड था। और आपको क्या पूछा है, मैक्सिमम पेनल्टी, अपने को क्या पूछा है, अपने को पूछा है मैक्सिमम पेनल्टी। तो मैक्सिमम पेनल्टी कितनी आ सकती है, तो 1.5 लाख के ऊपर तो जा ही नहीं सकते, 1.5 लाख के ऊपर तो जा ही नहीं सकते, तो मैक्सिमम पेनल्टी कितनी बैठेगी आपके पास, 1.5 लाख रुपए। चलिए भाई क्या क्या आपने, चलो तो यहां पर क्या बोला, मैक्सिमम पेनल्टी तो 1.5 लाख और 0.5% विच एवर इज लोअर, तो मतलब 1.5 लाख के ऊपर जा ही नहीं सकती, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, देन क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, व्हाट इज द मिनिमम पेनल्टी अंडर 271B एन इंडिविजुअल हु हैज फेल्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर 44AB। तो वही पूछा है, वापस से वही पूछा है।
है डन, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बताइए देन नेक्स्ट अपने को यहाँ पर है, मतलब ये तो सेम ही था। देन 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 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 44AB फॉर मैंडेटरी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स इज फॉल्स, कौन सा गलत है ना, इसमें क्या बोलना है, इसमें पूछ रहे हैं कि भाई इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा गलत है। तो एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस हुज टोटल सेल्स एग्रीगेट इन बिजनेस एक्सीड्स 1 करोड़ इन एनी प्रीवियस ईयर, है ना। 44AB मतलब ऑडिट वाला आपको पूछ रहा है, ठीक है। 1 करोड़ के ऊपर ऑडिट करवाना पड़ता है नॉर्मली, यस। बिजनेस रहा तो नॉर्मली यस, प्रोफेशन के लिए 50 लाख। एंड बिजनेस में अगर 95% चीज़ें बैंक से हो रही है, बिजनेस में अगर 95% चीज़ें अगर आपकी जो है बैंक से हो रही है, तो फिर ठीक है। तो फिर वंशिका बता देता हूँ, 2 मिनट रुकिए, वंशिका पारिक। तो यहाँ पर देखो, अगर आपका 95% चीज़ें बैंक से होती है तो 10 करोड़ की लिमिट आती है, ठीक है। अनुभव 50 लाख बेटा प्रोफेशनल्स के लिए होता है, अनुभव राज बिजनेस के लिए 1 करोड़ होता है, प्रोफेशनल के लिए 50 लाख होता है, और बिजनेस में 10 करोड़ की भी लिमिट होती है। ओके देखो, सो एवरी पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन हुज ग्रॉस रिसीट इन प्रोफेशन एक्सीड्स 1 करोड़, ये तो गलत है, क्योंकि तो प्रोफेशन के लिए कितना होता है, 50 लाख होता है। तो आंसर तो यही आपका, फिर भी पढ़ लेते हैं। एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस वेयर डीम प्रॉफिट्स आर टैक्स ऑन प्रिजम्प्टिव बेसिस लाइक 44AE, 44B, 44BBB हुज इनकम इज क्लेम टू बी लोअर देन द डीम्ड प्रॉफिट अंडर रिस्पेक्टिव सेक्शन, तो ये करेक्ट है भाई। अगर आप प्रिजम्प्टिव में जाते हो और प्रिजम्प्टिव में जो भी आपका 6% 8% या आपका जो है नंबर ऑफ गाड़ियों के हिसाब से 7500 वगैरह आता है, अगर आप उससे भी कम दिखाना चाहते हो तो आपको कंपलसरी ऑडिट करवाना पड़ता है, आपको जो है उससे भी जो है क्या करना पड़ता है ना, अगर उससे भी कम इनकम दिखाना चाहते हो तो आपको कंपलसरी ऑडिट करवाना पड़ता है। आगे, एवरी पर्सन कैरिंग ऑन अ प्रोफेशन वेयर 50% ऑफ द ग्रॉस रिसीट्स आर डीम्ड टू बी प्रॉफिट्स अंडर सेक्शन 44AD हुज इनकम इज क्लेम टू बी लोअर देन द डीम प्रॉफिट एंड सच इनकम एक्सीड्स द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, तो सेम ही है। तो अगर 44AD वाला है, प्रोफेशन वाला बंदा है, अगर वो 50% से भी कम इनकम दिखाना चाहता है, अगर वो 50% से भी कम इनकम दिखाना चाहता है ना, एंड उसकी टोटल इनकम जो है 2.5 लाख से ऊपर है, तो उनको कंपलसरी ऑडिट करवाना पड़ता है। तो बेसिक फंडा याद रखना कि जो भी प्रिजम्पटिव से 6% 8% 50% वगैरह से आ रहा था, अगर आप उससे भी कम इनकम दिखाना चाहते हो तो आपके लिए यहाँ पर कंपलसरी ऑडिट होता है, ठीक है ना, समझ आए। ओके चलिए, तो फिर आपको ये वाला मुद्दा भी क्लियर है। तो ये ऑडिट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स का आ गया। अब आप आ जाइए यहाँ पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पर, 44AD, ADA, AE। 44AD क्या है, 44AD देखो ये बिजनेस वालों के लिए, ADA देखो प्रोफेशनल्स के लिए है, AE किसके लिए, तो ट्रांसपोर्टर्स के लिए। 44AD बिजनेस के लिए, आपका ADA प्रोफेशनल्स के लिए है, एंड AE जो है आपके ट्रांसपोर्टर्स के लिए, करेक्ट है। तो बिजनेस वालों को देखो 6% 8% हुआ करता है ना, बैंक से मिला तो 6%, आपको कैश में मिला तो 8%, प्रोफेशनल्स के लिए 50% होता है, एंड ट्रांसपोर्टर के लिए लाइट वेट व्हीकल, हैवी वेट व्हीकल, अगर लाइट वेट व्हीकल है तो कितना, 7500 रुपीज़ पर व्हीकल पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, एंड अगर हैवी वेट है तो, हैवी वेट मतलब मोर देन 12 टन, मतलब मोर देन 12,000 किलो की जिसकी कैपेसिटी है, तो 1000 रुपीज़ पर टन पर व्हीकल पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, करेक्ट है। एंड ये जो आप बिजनेस वाला करेंगे, ये जो बिजनेस वाला करेंगे इसमें अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो ICSI कैश मानता है। ये जो आप बिजनेस वाला करेंगे अगर इसमें क्वेश्चन में बैंक और कैश कुछ नहीं बोला है बाय चांस, तो इसको ICSI बाय डिफॉल्ट कैश मानता है। क्लियर, ध्यान है आपको है ना, इतना ध्यान है आपको, परफेक्ट है। चलिए सुनिएगा, तो यहाँ पर प्रिजम्पटिव वाले आपके पास जो क्वेश्चंस हैं, और लगभग हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो मैं कंपलसरी बेस पर मान के चलो कि आता ही आता है। तो आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 141 पर, आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर, अच्छा किसी ने पूछा था ना 134 135 पूछा था, ठीक है। तो जब तक आप ये वाला पढ़िए 141 पढ़िए, 134 135 में देख लेता हूँ जो डाउट में आया हुआ है। 134 में क्या था, एक्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हैविंग टर्नओवर ऑफ 220 लाख, 220 लाख मतलब 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 20 लैक्स
फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 फेल टू फर्निश टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, टैक्स ऑडिट नहीं करवाया तो पेनल्टी कितनी आ जाएगी? तो 2 करोड़ 20 लाख का आधा परसेंट या फिर 1.5 लाख विच एवर इज लोअर। तो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, सॉरी 2 करोड़ है ना, 2 करोड़ 20 लाख का आधा परसेंट, देखो कैलसी पर कितना आ रहा है, 2 करोड़ 20 लाख इंटू 0.5%, 2 करोड़ 20 लाख इंटू 0.5%, तो 1% 2 लाख 20 हज़ार बैठेगा, तो आधा परसेंट 1 लाख 10 हज़ार बैठेगा, है ना, आधा परसेंट इनका 1 लाख 10 हज़ार बैठेगा या फिर 1.5 लाख विच एवर इज लोअर, तो कितना आ जाएगा 1 लाख 10 हज़ार, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 1 लाख 10 हज़ार। एकदम सिंपल सा फंडा था 134। देन 135, द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट अंडर 44AB डज नॉट अप्लाई टू अ पर्सन हु डिक्लेयर्स प्रॉफिट्स अंडर 44AD, है ना, इफ द टोटल टर्नओवर डज नॉट एक्सीड। तो ये 44AD का आपको यहाँ पर लिमिट पूछा है ना, प्रिजम्प्टिव में बिजनेस वाले कब आ सकते हैं ना, प्रिजम्प्टिव में लिमिट क्या होती है, 2 करोड़ की। ऑडिट की लिमिट क्या होती है, तो 1 करोड़ की। टैक्स ऑडिट की जो लिमिट है वो 1 करोड़ 10 करोड़ है, लेकिन प्रिजम्प्टिव वालों के लिए जो प्रिजम्प्टिव में आने की लिमिट है, प्रिजम्प्टिव वालों के लिए जो प्रिजम्प्टिव में आने की लिमिट है वो कितने की है, 2 करोड़ रुपए की। ठीक है, मतलब बिजनेस करो तो 2 करोड़ तक अगर टर्न हो रहे तो आप प्रिजम्प्टिव में आ सकते हो। परफेक्ट, चले हम आगे देखो। तो क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, व्हेन अ पर्सन कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ कैरिंग गुड्स फॉर द हायर ऑफ द होल ईयर विद 5 सेल्फ ओन्ड व्हीकल्स एंड 3 हायर परचेज, चलेगा, हायर परचेज है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, एंड अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल, तो प्रिजम्प्टिव इनकम आपको पूछा है, ये तो बहुत ही सिंपल है, मतलब प्रिजम्प्टिव इनकम आपको पूछा है। तो ये कैसे पूछा है, 8 व्हीकल्स इंटू 7500 रुपीज इंटू 12 महीने, मतलब 8 गाड़ियां थी इंटू पर गाड़ी 7500 रुपये क्योंकि लाइट वेट है इंटू 12 महीने, तो आपका आ रहा है 7,20,000 रुपये। ठीक है, तो इजी था। देन देखिए 142, देन देखिए आप यहां पर 142, अनुज ओन्स 6 गुड्स कैरिज व्हीकल, आउट ऑफ दिस 2 आर हैवी गुड्स व्हीकल हैविंग द वेट ऑफ 15 टन, एक्वायर्ड बाय हिम ऑन 15 जनवरी 2021, कब एक्वायर किया है, 15 जनवरी 2021 में, उसकी टैक्सेबल इनकम आपको 44AE में पूछा है। देखो मोस्टली क्या होगा कि ये आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो 21-22 का रहेगा, और ये जो क्वेश्चन रहेगा किसका रहेगा, ये 21-22 का रहेगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कब खरीद लिया था, है ना, इन्होंने कब कर लिया था, इन्होंने एक्चुअली पूछा नहीं है, दिक्कत हो रही है। एक काम करो, इसको अपडेट ही कर दो आप, इसको 2022 ही कर दो, है ना, इसको जो है 2022 कर दो, है ना, 15 जनवरी 2022 कर दो, एंड यहाँ पर अपने को समझो 21-22 के लिए पूछा है, इसको 15 जनवरी 2021 की जगह 15 जनवरी 2022 कर दो। ठीक है, और 21-22 के लिए आपको पूछा है, 6 गुड्स कैरिज व्हीकल है एंड 2 उसमें से हैवी वेट है। आ जाएगा आंसर, है ना, तो हमने यहाँ पर क्या बोला, 15 टन इंटू 1,000 रुपये प्रति टन इंटू 2 गाड़ियाँ इंटू 3 महीने, 3 महीने क्यों, क्योंकि जैन में खरीदा ना, तो जैन फेब मार्च, तो कितना आ जाएगा, जैन फेब और मार्च,
तो ये आ रहा है 90,000, मानी ये कितना आ रहा है आपका 90,000। तो टोटल आपका बैठ रहा है कितना, 4,50। टोटल आपका बैठ रहा है कितना, 4,50। क्लियर हुआ? चार गाड़ियां साल भर के लिए थी, तो चार गाड़ियां इंटू 7,500 इंटू 12 महीने, एंड ये सिर्फ आपने जनवरी में खरीदा था, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के लिए आएगा। दो गाड़ियां थी, 1,000 रुपये प्रति टन था, एंड टोटल 15 टन था, तो 15 टन इंटू 1,000 इंटू 2 व्हीकल इंटू 3 महीने, तो ये 90,000 ही आ गया, और 360 ही आ गया, तो 4,50,000 आ गया। ओके डन, तो ये आपका हो गया 142। देन 143 देखिए, देन 143 देखिए, मिस्टर सिराज इज एंगेज इन रिटेल ट्रेड, रिपोर्ट्स अ टर्नओवर ऑफ 43 लैक्स फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22। ही डिपॉजिटेड 30,000 इन पीपीएफ विद एसबीआई, इस टोटल इनकम आपको पूछा हुआ है अंडर 44AD। तो मुझे बताओ कि ये 30,000 का कहीं पर डिडक्शन मिलता है क्या पीपीएफ का? ये 30,000 का कहीं पर भी डिडक्शन मिलता है क्या पीपीएफ का? ये 30,000 का कहीं पर भी डिडक्शन मिलता है क्या पीपीएफ का? यस, 80C। और 80C में आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलता है, तो प्रिजम्पटिव वाले इनकम में से आप डिडक्शन माइनस कर सकते हो, पुरानी वाले मतलब बाकी पीजीबीपी के आप खर्चे माइनस नहीं कर सकते, लेकिन 80C 80D वगैरह माइनस कर सकते हो। और यहाँ पर देखो कैश या बैंक कुछ नहीं बोला है, तो ये बाय डिफॉल्ट कैश मानते हैं, ICSI जो है इसको बाय डिफॉल्ट कैश मानती है। तो 43 लैक्स इंटू 8% इस 3,44,000 माइनस वो 30,000 का डिडक्शन आप जो आपको मिल रहा है 80C में, तो 3,00,000। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो बताइए। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले पर। नेक्स्ट आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन 144, सो डीपी एंड को इज अ पार्टनरशिप फर्म विथ 3 पार्टनर्स। द कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर वॉज ₹2 लैक्स, मतलब हर पार्टनर कैपिटल थी 2 लाख रुपए। द पार्टनरशिप डीड ऑथराइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 15%, तो 12% तक अलाउड है। वर्किंग पार्टनर सैलरी टू ईच पार्टनर इज 10,000 पर मंथ फॉर ऑल दी पार्टनर्स। टोटल सेल्स अमाउंटेड टू 70 लाख। द टोटल इनकम ऑफ द फर्म अंडर 44AD वुड बी, मुझे बताओ कि 44AD में पार्टनरशिप के एक्सपेंसेस अलाउड हैं कि नहीं, 44AD में पार्टनरशिप फर्म वाले खर्चे अलाउड हैं कि नहीं। यहाँ पर मुझे बताओ कि यहाँ पर जो है आपके 44AD में, 44AD में आपके पार्टनरशिप के खर्चे अलाउड है क्या? आंसर इज नो। 44ADA में प्रोफेशन वाले में आंसर इज नो, लेकिन अगर 44AE होता तो आंसर वुड हैव बीन यस। लेकिन अगर 44AE होता तो आंसर वुड हैव बीन यस, वहां पर आपको माइनस करना अलाउड है अगर ट्रांसपोर्टर वाला होता तो। तो ये तो देखो 44AD है तो पार्टनरशिप वाले से मतलब ही नहीं है ना, पार्टनरशिप वाले से मतलब ही नहीं है, तो अपने को सिर्फ किससे मतलब है कि टोटल सेल्स का कुछ नहीं बोला है तो 8% कैश में मान लेते हैं लोग, मैंने टोटल सेल्स का 8% मान लिया जाएगा। प्राची सिंह और लक्ष्मी पाठक तो कब से बातों में लगे हुए भाई, मतलब 5 से 10 मिनट से मैं देख रहा हूँ। ठीक है, 70 लाख 8% इज हाउ मच, 5,60,000 रुपये, तो ये आपकी मान ली जाएगी इनकम। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। अल्फा एंड को इज अ प्रोप्राइटरी कंसर्न ओन्ड बाय विमला, द टोटल टर्नओवर फॉर द ईयर इज 52 लैक्स, विच इंक्लूड्स प्रोसीड्स रियलाइज थ्रू बैंकिंग चैनल बिफोर 31 जुलाई वॉज 12 लाख। प्रिजम्पटिव इनकम अंडर 44AD वुड बी, तो भाई देखो 52 लैक्स में से 12 लाख ये क्या बोल रहे हैं, बैंक में मिला है, मतलब 40 लाख कैश में मिला है, करो सॉल्व।
आ रहा है क्या? इसका 6% और इसका कैश का 8%, टोटल मिला के देखो 392 बैठ रहा है, मैंने टोटल मिला के देखो 392 बैठ रहा है। हुआ डन, चलिए अब नेक्स्ट सारा क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 जून 2016 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 152। वेयर अ नॉन रेसिडेंट ऑफ फॉरेन कंपनी इज लाइबल टू बी टैक्स एट अ स्पेशल रेट ऑफ 10% ऑन अकाउंट ऑफ रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज सच असेसी शेल। तो इसको भी एज अ प्रोविजन पढ़ लो ना, इसको एज अ प्रोविजन आपको पढ़ना है। एक्चुअली 2016 का क्वेश्चन है, तो एकदम पुराने मॉड्यूल में ओल्ड सिलेबस में कुछ टॉपिक्स थे ना, ओल्ड सिलेबस में कुछ टॉपिक्स थे तो उसका मुद्दा है। तो इसको आप एज अ यहाँ पर प्रोविजन पढ़ोगे, तो यहाँ पर जो नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी जिनको 10% पर टैक्स पे करना पड़ता था, दे शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंस अंडर 28-44C नॉर एलिजिबल फॉर एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है। तो उनको जो है PGBP के सारे खर्चे मना करके रखे थे एंड चैप्टर 6A के भी मना करके रखे थे, 80C 80D वगैरह जो उसको भी मना करके रखा था। ठीक है, चलिए क्या पूछ रहे हैं, 147 पूछ रहे हैं। 147 में क्या है, रहीम हैड 5 गुड्स कैरिज ऑन 1/4/2021, ही एक्वायर्ड एंड यूज 3 व्हीकल्स फ्रॉम 1/7/2021। तो 5 तो ऑलरेडी थी, 3 अलग से खरीदी, तो प्रिजम्पटिव इनकम आपको पूछा है। तो 5 जो साल भर के लिए थी, तो 5 गाड़ियां इंटू 7500 इंटू 12 महीने है ना, और 3 गाड़ियां इंटू 7500 इंटू 7 महीने। 7 महीने क्यों, सेप्टेम्बर में खरीदा ना, तो पार्ट ऑफ द मंथ रहता है तो भी पूरा महीना काउंट किया जाता है, सेप्टेम्बर टू मार्च 7 महीने। तो 5 इंटू 7500 इंटू 12 एंड 3 इंटू 7500 इंटू 7 करके देख लो उसको। हाँ जी, बेबी केशरियस ICSI ऐसा ही अज्यूम करता है, ICSI जो है ऐसे ही अज्यूम करता है। डन है ना, 3 महीने का, 3 महीने का 7 मंथ होगा, यस करेक्ट है। चलिए तो फिर आपको ये वाला मंथ क्लियर है, 152 भी आपका हो गया। देन अपन जो है 153 करेंगे, 153 करेंगे। कांत इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ पीसेज ऑफ वेरियस लैंड है ना, जमीन खरीदता है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 ही सोल्ड पीसेज ऑफ लैंड फॉर 32 लाख। ऑल ऑफ दीज वर मेड थ्रू चेक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। वैल्यूशन ऑफ दिस पीसेज ऑफ दिस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वॉज 41 लैक्स। ही वॉन्ट्स टू पे टैक्स ऑन इनकम टैक्स एज पर 44AD। तो उसकी इनकम एज पर जो है क्या मानी जाएगी, मैंने आपको पूछा कि भाई इसकी इनकम जो है वो क्या मानी जाएगी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मुद्दा उठता है कि अपने को सेल वैल्यू लेनी क्या है, ही वॉन्ट्स टू पे टैक्स ऑन इनकम एज पर 44AD और ये क्या है, एक इंडिविजुअल है, तो इनकम इसकी कितनी बैठेगी आपको पूछा गया है। तो मुझे बताओ 44AD में अगर अपन जाएंगे तो वो प्रिजम्प्टिव वाला सेक्शन देखना पड़ता है कि नहीं, प्रिजम्प्टिव मतलब कौन सा, 43CA, कि आपका सेल वैल्यू आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, आपका सेल वैल्यू जो है आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है ना। तो उस वाले केस में है ना, उस वाले केस में तो क्या ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है क्या, चेक करना है क्या। चलिए है ना, तो सेल वैल्यू कितना है 32 लाख एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है 43 लाख, तो क्या ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है, आंसर इज यस, ये सेक्शन एप्लीकेबल आपके ऊपर होता है ना, ये सेक्शन जो है आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। ठीक है,
तो एक्चुअल डिफरेंस कितना है? 9 लाख का। अलाउड डिफरेंस कितना होता है? अलाउड डिफरेंस कितना होता है? तो इसका 10% तक अलाउड होता है, तो 3.2 लाख तक अलाउड होता है। लेकिन आपका जो डिफरेंस है वो 3,20,000 से ज़्यादा हो गया है, तो आपका सेल वैल्यू 43 लाख ही माना जाएगा। और सेल वैल्यू जो है वो 43 लाख ही माना जाएगा। ठीक है, परफेक्ट है। तो यहाँ पर अपने को पूछा है इन्होंने क्या कि अपनी इनकम कितनी मानी जाएगी। हाँ, ही वॉन्ट्स टू पे टैक्स, तो अपनी इनकम कितनी मानी जाएगी? तो 41 लैक्स है। कितना माना अपन ने? 43 लैक्स माना। तो ये आपका टर्नओवर मान लिया जाएगा, ये आपका टर्नओवर मान लिया जाएगा, और इसके ऊपर अपने को निकालना है। ये जो आपका टर्नओवर मान लिया जाएगा और इसके ऊपर अपने को कैलकुलेशन करना है। तो कितना बेटर है? 41 है ना, 43 नहीं, 41 है ना, 41 लैक्स। तो 41 लैक्स का ना आपको बैंकिंग चैनल पकड़ना पड़ेगा। तो कितना है? 246। बैंकिंग चैनल क्यों पकड़ा? क्योंकि उसमें लिखा है ना सारे के सारे ट्रांजेक्शन बैंक से होते हैं, मतलब क्योंकि उसमें लिखा है ना सारे के सारे ट्रांजेक्शन आपके बैंक से होते हैं, इसलिए बैंकिंग चैनल यहाँ पर पकड़ना पड़ेगा। तो अच्छा सा क्वेश्चन पूछा था जून 2019 में, है ना। तो इससे अपने को क्लियर होता है कि यहाँ पर 43CA सेक्शन जो है ये भी एप्लीकेबल होता है। ओके, देखिए हम आगे, देखिए हम आगे। तो अब आप आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 160 पर। हाँ, 160 पर आ जाइए। यहाँ पर बोला है डी एंड को इज अ पार्टनरशिप फर्म विच फाइल इट्स रिटर्न ऑफ इनकम बाय ऑप्टिंग फॉर 44AD फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। इट फाइल इट्स रिटर्न ऑफ इनकम, अच्छा, है ना, फॉर द प्रोविजन बाय गेटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड अंडर 44AB फॉर 21-22। तो सुनना ध्यान से, असेसमेंट ईयर 2021 मतलब 19-20 में ये प्रिजम्पटिव में गए थे PY में, ठीक है, एंड 2021 में इन्होंने ऑडिट करवा लिया। तो हम क्या कहते हैं, अरे सर नंबर 246 लिखा है, तो हम क्या कहते हैं कि अगर आपको प्रिजम्पटिव में आना है ना 44AD बिजनेस साल में, तो आना है तो अगले 5 साल के लिए ही आना पड़ेगा, और अगर आप बाहर गए तो अगले 5 साल तक आप इसमें वापस नहीं आ सकते। तो इस बंदे ने क्या किया, 1920 में प्रिजम्पटिव में गया, लेकिन 2021 में प्रिजम्पटिव से बाहर हो गया, उसने ऑडिट करवा लिया, है ना, प्रिजम्पटिव से बाहर हो गया तो उसने ऑडिट करवा लिया, करेक्ट है। तो आने वाले सालों में 5 साल तक ये प्रिजम्पटिव में नहीं आ सकता। तो उसने 70,000 का प्रॉफिट दिखाया था। अब असेसमेंट ईयर 2022-23 मतलब PY 2021-22 में उसकी इनकम एज पर 44AD 4,80,000 एंड इनकम एज पर रेगुलर प्रोविजन इज 6,30,000। तो अब उसको जो है कौन सी इनकम दिखानी पड़ेगी? उसके प्रेजेंटिव के हिसाब से आ रही है 4,80,000 एंड यहाँ पर नॉर्मल के हिसाब से आ रही है 6,30,000। तो कौन सी वाली यहाँ पर उसको इनकम दिखानी पड़ेगी, प्रेजेंटिव वाली या नॉर्मल वाली? प्रेजेंटिव या नॉर्मल? तो नॉर्मल वाली, क्यों? क्योंकि प्रेजेंटिव से अगर एक बार बाहर हो गए ना तो अगले 5 साल तक वापस नहीं आ सकते। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला है कि आपका जो है नॉर्मल अमाउंट जो रहेगा नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से उतना आपको पे करना पड़ेगा, प्रिजम्पटिव आप पे नहीं कर सकते क्योंकि प्रिजम्पटिव से आपको 5 साल तक बाहर कर दिया। ओके, तो ये हुआ 160। अभी किसी का डाउट आया था 157 का, वो मैं कर लेता हूँ, तब तक आप बाकी चाहे तो क्वेश्चन कर सकते हैं आगे के। जिनको ये वाला देखना है डिसंबर 19 न्यू सिलेबस का 157 वो देख सकते हैं। तो मिस्टर रामानंद इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ फ्लाइंग हायरिंग ऑफ व्हीकल्स वगैरह वगैरह। He was having 3 trucks of gross weight vehicle of less than 12,000 किलो, मतलब लाइट वेट व्हीकल 3 है, लाइट वेट व्हीकल 3 है। 1 truck आउट ऑफ दिस 3 trucks was sold by him on 23 July 2021 एंड आफ्टर इट सेल्स 2 more trucks, वन ऑफ लेस देन 12,000 किलो एंड वन ऑफ 17,900 किलो वर परचेज्ड ऑन 5 सितंबर 2021। He wants to declare the income of trucks as per provision of 44AE। तो आपको यहाँ पर प्रिजम्पटिव इनकम निकाल के बताना है, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 अप्रैल 2021 को आपके पास 3 गाड़ियाँ हैं, 1 अप्रैल 2021 को आपके पास 3 गाड़ियाँ हैं, तो मैं अभी 2 ही लिख रहा हूँ, 2 लाइट वेट व्हीकल्स लिख रहा हूँ,
क्योंकि ये पूरे 12 महीने तक मेरे पास है, एंड एक लाइट वेट व्हीकल जो है ना, एक लाइट वेट व्हीकल जो है वो कब से आई हुई है, और आपने बेच दी थी कब, 23 जुलाई को, एक आपने बेच दी थी कब, 23 जुलाई को, तो अप्रैल मई जून जुलाई, तो ये सिर्फ 4 महीने के लिए आपके पास थी। तो ये हो गया लाइट वेट व्हीकल का, है ना, जो स्टार्टिंग वाली थी, तो 2 तो साल भर थी, एक आपने बीच में बेच दी थी, फिर देखो आपने एक और खरीदी थी, एंड उसके बेचने के बाद 2 मोर ट्रक्स, वन ऑफ लेस देन 12,000 किलो एंड वन ऑफ 16,900 किलो, वॉज परचेज ऑन 5 सितंबर, तो आपने एक और परचेज की, है ना, कब, सितंबर में, तो 7 महीने हो जाएंगे इंटू 7,500, तो ये सारा का सारा करके लाइट वेट व्हीकल आ जाएगा, है ना। यस रिया दास, एग्जैक्ट 12,000 किलो भी रहा तो लाइट वेट लेना है, क्योंकि हैवी वेट कब आता है, 12,000 किलो के ऊपर, 12 टन के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे आपके लाइट वेट व्हीकल हो जाएंगे, ये सारे के सारे आपके लाइट वेट व्हीकल हो जाएंगे। अब हैवी वेट की बात किए तो 16.9 kg, मतलब इसको ना 17 टन ही मानते हैं, इसको 17 टन मानते हैं, क्योंकि प्रोविजन में, पॉइंट्स में नहीं दिया हुआ है, प्रोविजन में कैसे दिया हुआ है कि फॉर एवरी 1,000 kg और अ पार्ट ऑफ आपका, फॉर एवरी 1,000 kg, मतलब फॉर एवरी टन पर मंथ और फॉर अ पार्ट ऑफ द मंथ, आपको यहाँ पर 1,000 रुपये पर टन के हिसाब से देना है। तो 16.9 टन को 17 टन मान लिया जाता है, और ये भी कब खरीदा है, सितंबर में परचेज किया है, तो एक व्हीकल है 17 टन है, हर टन का 1,000 रुपये है, एंड इंटू 7 महीने, क्योंकि सितंबर से आ रहा है, तो एक बार देख लो और आंसर आ रहा है कि क्वेश्चन 158 बता रहा हूँ, 158 बताना है, बता देता हूँ, तो कितना आ रहा है, 262,500, ये लाइट वेट का आ गया। अरे देन क्या पूछ रहे हैं, 158 बताता हूँ, और हैवी वेट का अनुभव क्या कह रहा है, 1,19,000 आ रहा है क्या, तो 1,19,000, तो लाइट और हैवी मिला के देखो टोटल कितना आ रहा है, तो 381,500, लाइट और हैवी मिला के आपका आ रहा है कितना, 381,500, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, 157, चलें फिर आगे नेक्स्ट वाला देखें। तो नेक्स्ट वाला आपका 158 जो डाउट में आया हुआ है, 158 में क्या है, डिसेंबर 19 ओल्ड सिलेबस का है, रमेश ओन्स 2 व्हीकल्स फॉर द पर्पज ऑफ फ्लाइंग ऑन हायर, ग्रॉस व्हीकल वेट और अनलेडन वेट विदाउट एनी गुड्स, वेट ऑफ वन व्हीकल वॉज 13 मेट्रिक टन एंड दूसरे का था 6 मेट्रिक टन, मतलब तो बहुत ईजी है, 6 मेट्रिक टन मतलब लाइट वेट व्हीकल, लाइट वेट व्हीकल, तो 6 मेट्रिक टन का लाइट वेट व्हीकल इंटू 7,500 इंटू 12 महीने, एंड हैवी वेट का 13 टन है, तो 13 टन इंटू 1,000 रुपये इंटू 1 व्हीकल इंटू 12 महीने, तो उसको ऐड करना है, और ये सब निकाल के ऐड करना है, बोले डन। चले हम आगे, तो कर लोगे आप, ऐड कर लोगे, इजी है। देन आप आ जाइए आपके क्वेश्चन नंबर 164 पर, देना पाजी 164 पर, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, आपको जो है 8-10 MCQs ही बचे हुए हैं, फिर आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। चलिए भाई देखिए, तो यहां पर है सीजी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कैरिंग ऑफ गुड्स ऑन 1 अप्रैल 2021 टू
ट्रक्स कंसिस्टिंग ऑफ 6 हैवी वेट व्हीकल गुड्स ऑफ 14 टन, 3 लाइट गुड्स ऑफ 5 टन. ऑन 4th of May 2021, वन ऑफ द हैवी गुड्स व्हीकल वॉज सोल्ड एंड वन लाइट गुड व्हीकल वॉज परचेज ऑन 15 मई 2021. द न्यूली परचेज लाइट गुड व्हीकल वॉज पुट टू यूज ओनली फ्रॉम 25 जून. तो पुट टू यूज यहाँ पर काम में नहीं आता है ना, यहाँ पर पुट टू यूज जो है काम में नहीं आता है. द एस एस सी वॉन्ट्स टू डिक्लेयर द इनकम एज पर सेक्शन 44AE. ईजी है, यहाँ पर 6 हैवी गुड्स व्हीकल है, 6 हैवी है और 3 लाइट है. तो हैवी वेट में से एक ना बीच में बेच दिया है, इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी कर लेंगे और इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी कर लेंगे. तो पहले मैं हैवी वाले का निकाल लेता हूँ. हैवी का 5 व्हीकल्स का अलग और 1 व्हीकल का अलग. फिर लाइट का भी 3 व्हीकल साल भर में थी और 1 व्हीकल अपन ने परचेस की. तो हैवी वेट 5 आपके पास साल भर में थी, तो 5 व्हीकल्स इंटू 1000 रुपये इंटू कितने टन बोला था, 14 टन इंटू 14 टन इंटू 12 महीने. तो ये 5 जो साल भर थी उसका आ गया. फिर 1 व्हीकल इंटू 1000 रुपीज़ इंटू 14 टन. और इसको कब बेचा था अपन ने, 4 मई को बेचा था. तो 2 महीने आ जाएंगे अप्रैल और मई, 4 मई को ही बेचा था, 2 महीने आ जाएंगे अप्रैल और मई. ठीक है, अप्रैल एंड में 2 महीने आ जाएंगे. देन 3 लाइट वेट व्हीकल जो थी, 3 इंटू 7500 इंटू 12 महीने. एंड 1 व्हीकल आपने मई में परचेस की, तो इंटू 7500 इंटू 11 महीने. ठीक है, तो ये आपके आ जाएंगे क्या, नंबर ऑफ मंथ्स वगैरह. तो ये हो गया 840,000 टोटल. देखो आई थिंक मैच कर जाएगा, ये तो आ जाएगा 28,000. ये आ जाएगा 270,000 और आई थिंक ये आएगा 82,500. ठीक है, सब मिला तो कितना आ रहा है आपका, 12, 20, 5. सबको ऐड किया तो आपका आ रहा है 12, 20, 5 है ना, बताइए. चलिए देखें हम आगे. देखिए हम नेक्स्ट. चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखिए आप यहाँ पर 166, दोनों देखो 166, 167 जून 21 में सिलेबस के हैं. तो रामनाथ हैज 4 हैवी गुड्स व्हीकल, ग्रॉस अनलेडन वेट ऑफ ईच व्हीकल वॉज 13,000 kg, 1 लाइट वेट व्हीकल वॉज लेस देन 12,000 kg. He operated the vehicle on contract basis to paper manufacturing company throughout the previous year and received 90 lakhs as higher charges as per the contract. उसको ऐसे 90 लाख रुपए मिले हुए हैं. So how much is the income chargeable to tax under applicable presumptive provision? तो यहाँ पर इसको वैसे तो 90 लाख रुपए मिले हुए हैं, लेकिन आपको पूछ रहे हैं कि भाई presumptive में हम इसको कितना डालें, है ना. तो कैलकुलेट करिए. चार हैवी वेट है ना, एक लाइट वेट है. आ रहा आंसर ना, इजी है. 13 टन इंटू 1000 रुपये इंटू 12 महीने इंटू 4 गाड़ियाँ है ना, और एक गाड़ी इंटू 7500 इंटू 12 महीने.
ठीक है, दोनों का मिला क्या आ रहा है 714, दोनों का मिला क्या आ रहा है आपके पास 714, माने यस परफेक्ट है। चलिए देखिए हम आगे, देन आपको बोला सेंथिल एंड को इज अ पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्टनर्स विद इक्वल शेयर। दी पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18% पर एनम ऑन कैपिटल ऑफ 5 लाख। कैपिटल 5 लाख का 18% पर एनम का इंटरेस्ट अलाउड है। बोथ आर वर्किंग पार्टनर्स एलिजिबल फॉर मंथली सैलरी ऑफ 10,000 ईच एज पर पार्टनरशिप डीड। The firm has done total sales of 60 lakh. Amount realized by cash was 10 lakh and balance for account pay check. 44AD. तो अगेन सेम 44AD में पार्टनरशिप फर्म वाले खर्चे अलाउड नहीं होते हैं। 44AD में पार्टनरशिप फर्म वाले खर्चे जो आपको अलाउड नहीं होते हैं तो उसको पूरा इग्नोर ही करना है। तो मेनली जो कैलकुलेशन रहेगा वो 60 लाख का आपका रहेगा, 10 लाख और 50 लाख का। ठीक है, 10 लाख जो कैश में मिला उसका 8% और 50 लाख का 6%, आ जाएगा 3 लाख और ये आ जाएगा 80,000। ये कैश वाला था और ये बैंक वाला था, तो इतने अपने को ध्यान देना। मतलब देखो हार्डली कोई ऐसा अटेम्प्ट किया होगा जिसमें प्रिजम्पटिव का क्वेश्चन आया हो, तो आ जाएगा 3,80,000 रुपये। ठीक है, अभी दिसंबर 21 न्यू सिलेबस है ना, 169। सो एचएसपी एन एलिजिबल एसएससी फॉलोइंग मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कैरिंग ऑन द एलिजिबल बिजनेस एज पर 44AD। 44AD के हिसाब से कैरी आउट कर रहे हैं ना। इनका टोटल टर्नओवर जो है 120 लाख है। आउट ऑफ द टोटल टर्नओवर 120 लाख 25 लाख वाज रिसीव्ड बाय अकाउंट पे चेक, 40 लैक्स वॉज रिसीव बाय कैश, बट अमाउंट ऑफ 25 लाख रिसीव बाय अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट इन मे 22 एंड 30 लाख वुड नॉट बी रिसीव्ड टिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग। तो देखो जितना ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक बैंक में मिल गया मिल गया, और जितना नहीं मिला उसको हम कैश मान लेते हैं। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक जितना मिल गया बैंक में, जो नहीं मिला उसको हम बाय डिफॉल्ट कैश मानेंगे। बाद में बैंक में मिले या ना मिले अपने को मतलब नहीं है, सही है। तो अपने को यहाँ पर जो है 25 लाख बैंक से मिला है, ठीक है, 40 लाख कैश से मिला था, फिर 25 लाख वापस रिसीव बाय अकाउंट पे ही, तो 25 लाख वापस बैंक से मिला है एंड बचा हुआ 30 लाख कैश से, और बचा हुआ 30 लाख कैश से, तो 50 लाख बैंक से आया और 70 लाख कैश से आया। तो बैंक से 6% निकाला तो 3 लाख आता है, कैश का 8% निकाला तो 5.6 लाख आता है। कैश का निकाला तो 8% के हिसाब से 5,60,000 आएगा है ना, एंड 50 लाख का 6% 3 लाख आएगा, तो 560 एंड 3 लाख इज 860। डन भाई, क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट अपने को यहां पर दिया गया पेज नंबर 6.26, उसमें एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स एक्वायर्ड फॉर बिजनेस। तो आपको यहां पर एसेट्स का एक्चुअल कॉस्ट पूछा हुआ है कि अगर आप सेकंड हैंड वगैरह खरीदते हैं, अलग अलग चीजें हैं, तो उसमें कितना आपको अलाउड रहता है, मतलब एक्चुअल कॉस्ट कितना मानना होता है। चलिए देखिए, तो अपने को बोला है सुनील एक्वायर्ड बिल्डिंग फॉर 15 लाख। क्वेश्चन नंबर देखो 174 है। सुनील एक्वायर्ड बिल्डिंग फॉर रुपीज 15 लाख ऑन June 19, इन एडिशन टू द कॉस्ट ऑफ लैंड बिनीथ द बिल्डिंग वॉज 3 लैक्स। तो PY 19-20 में खरीदा हुआ है। इट वॉज यूज फॉर पर्सनल पर्पज, पहले पर्सनल पर्पज के लिए यूज किया। वाइल ही कमेंस बिजनेस इन June 21, तो कौन साल में यूज किया इन्होंने, स्टार्ट किया है 21-22 में, 21-22 में उन्होंने स्टार्ट किया है।
द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एलिजिबल फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, तो करेंट ईयर में आपको जो है डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा आपको पूछा है, करेंट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा आपको पूछा है। तो अगर आपको ध्यान हो कि अगर आप बिल्डिंग को पर्सनल से बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करते हो, है ना, अगर आप बिल्डिंग को पर्सनल से बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करते हो तो डेप्रिसिएशन माइनस करते हुए आना, है ना, डेप्रिसिएशन माइनस करते हुए आना। मतलब देखो 19-20 में आपने बिल्डिंग खरीदी थी, बिल्डिंग ऑफ 15 लाख इन एडिशन टू द कॉस्ट ऑफ लैंड बीनीथ ऑफ इट वॉज 3 लाख, तो लैंड का तो कुछ नहीं करना है तो जो होगा 15 लाख पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 19-20 में जब आपने खरीदा, मतलब 15 लाख में से डेप्रिसिएशन का 10% माइनस कर दिया आपने पहले साल में, 19-20 का 10% का डेप्रिसिएशन चला जाएगा, तो 15 लाख का 10% इज 1.5 लाख, तो बचा 13,50,000, ये हुआ 19-20 का। फिर 20-21 का वापस से 10%, क्योंकि अपने को पूछा क्या है कि 21-22 में डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा, तो सेकंड वाले ईयर में वापस से 10%, तो 135 माइनस हो जाएगा, 13,50 का 135 वापस से माइनस हो जाएगा, तो 12,15,000 है ना। अब इसका 10% आपको इस साल मिलेगा, मतलब कितना, 121,500। तो आपने को यही पूछा कि भाई इस साल में कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो इस साल में डेप्रिसिएशन अपने को मिलेगा 1,21,500। बोले डन, चले हम आगे। देन क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 175, क्या आ गया ना आंसर इसका, 175 है। रोजी लिमिटेड वॉज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ बायोमेडिसिन, कन्वर्टेड वन ऑफ द इक्विपमेंट विच वॉज यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च प्रीवियसली फॉर द रेगुलर बिजनेस, और उसको रेगुलर बिजनेस में लिखा है। ओरिजिनल कॉस्ट 15 लाख था April 2019 में, दी कंपनी क्लेम डिडक्शन 150%, कोई दिक्कत नहीं है। द प्लान यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च वुड बी इंक्लूड इन द ब्लॉक ऑफ एसेट्स विल बी नाउ एट, तो पहले आपने अगर आपने कोई चीज़ साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ की थी एंड अभी अगर आप उसको नॉर्मल बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पर जो है उसका कॉस्ट क्या लेना होता है, उसका कॉस्ट लेना होता है नील, क्योंकि ऑलरेडी 100% डिडक्शन आप ले चुके हो, ऑलरेडी आप किसी चीज़ का 100% डिडक्शन ले चुके हो, फिर उसको अगर आप ब्लॉक में डालोगे तो वो है ना उसकी वैल्यू जीरो मानी जाती है, ठीक है। 177 आप सॉल्व करें, जब तक 165 का मैं डाउट ले लेता हूँ, 165 में क्या था चेक कर लेते हैं। 165 देख रहे हैं, डॉक्टर कमलेश पाई इज अ कार्डियक सर्जन फॉर द प्रीवियस 21-22 ग्रॉस रिसीव्स फ्रॉम द प्रोफेशन वॉज 36,40,000, ही वॉन्ट्स टू डिक्लेयर इनकम एज पर द प्रिजम्प्टिव प्रोविजंस, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इनकम एज पर द एप्लीकेबल प्रोविजंस, इसमें क्या है, इसमें 50% है ना, 44 ADA में जो भी आपका टर्नओवर है ग्रॉस रिसीव्स है उसका 50%, ठीक है, तो उसका आधा कर दो आपकी इनकम हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके यहाँ दिया गया 177, तो ABC लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया, डिपॉजिटेड 80 लाख रुपए इन द स्पेशल अकाउंट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021 एंड क्लेम द सेम एज डिडक्शन अंडर 33AB 40% ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट्स ऑफ 200 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कंपनी विदड्रॉन, देखो हमने क्या किया था, हमने 80 लाख रुपए डाल के डिडक्शन ले लिया था। अब आगे क्या बोल के रखा है इन्होंने, मैंने कंपनी विदड्रॉन 40 लाख फ्रॉम द स्पेशल अकाउंट विच वॉज यूटिलाइज एज अंडर, आपने 40 लाख जो है बीच में निकाला और उसको ऐसे यूज़ किया है, 30 लाख ऑन 31 दिसंबर फॉर द स्कीम फ्रेम बाय द टी बोर्ड, 4 लाख ऑन 25 जनवरी फॉर अदर पर्पज एंड 6 लैक्स फॉर नॉट यूटिलाइज, द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स शैल बी, ठीक है। अपने को बोला कि भाई अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स कितना रहेगा, तो 80 लाख डाला था उसमें से 40 लाख आपने निकाला, 40 लाख में से 30 लाख, 40 लाख में से 30 लाख आपको जो टी बोर्ड ने कहा था आपने उस पर्पज के लिए यूज़ किया तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, है ना, एंड 4 लाख आपने यूज़ किया था फॉर अदर पर्पजेज ये टैक्सेबल हो जाएगा,
मैंने 4 लाख टैक्सेबल हो जाएगा, एंड 6 लाख आपने अभी तक यूज़ नहीं किया लेकिन निकाल के रख दिया है, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा, मैंने ये भी टैक्सेबल हो जाएगा, समझ आया? फिर हुआ मतलब 5 2 4 मिनट का और लेक्चर बचा हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपने बाहर निकाला है ना, उसमें 6 लाख आपने अदर पर्पज़ के लिए यूज़ किया या 4 लाख अदर पर्पज़ के लिए यूज़ किया, 6 लाख अभी भी यूज़ नहीं किया है, तो ये दोनों मिला के 10 लाख रुपए आपके लिए कर दिए जाएंगे टैक्स, ठीक है, डन, परफेक्ट, समझ आया? चलें आगे। नेक्स्ट आपको ये मिसलेनियस क्वेश्चन दिया हुआ है, December 21 न्यूज सिलेबस में पूछा हुआ है। तो इन्होंने क्या बोला है कि हेड ऑफिस का कोई अगर कॉमन खर्चा है, हेड ऑफिस का अगर कुछ कॉमन खर्चा है एंड वो अपने ब्रांच को वो खर्चा ट्रांसफर करना चाहते हैं, एंड वो अपने ब्रांच को खर्चा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? तो 5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। अगर एक हेड ऑफिस ने कुछ कॉमन खर्चा किया है एंड अगर वो खर्चा अपने ब्रांच के नाम पर डालना चाहते हैं तो कितना डाल सकते हैं? तो यहाँ पर आपका एडजस्टेड टोटल इनकम का 5%, तो इसको भी एज अ प्रोविजन आपको पढ़ना है, मैंने इसको भी आपका एज अ प्रोविजन पढ़ना है, ठीक है, डन। चलिए भाई, तो इसी के साथ आपका ये वाला जो चैप्टर है ये भी होता है सारा का सारा समाप्त। तो आपको बहुत बहुत बधाई है, मतलब सारा का सारा पीजी भी हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये आपका बड़ा सा चैप्टर हुआ। अब तो अपन कल से मिल नहीं पाएंगे, 4-5 दिन, मतलब 4-5 दिन जो अपनी मुलाकात नहीं हो पाएगी, ठीक है। अभी जो है हम मोदी सर की शादी करवा के आएंगे, अब मैंने बहुत सिंगल जी लिया, बहुत लड़कियाँ पटा ली, अब एक के हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद अपन मुलाकात करेंगे, और पहले मैं आपको हाउस प्रॉपर्टी और लास्ट के 3 चैप्टर्स क्लबिंग लॉसेस है ना, कैरी फॉरवर्ड वगैरह ये सब करवा दूंगा, ठीक है। चलिए भाई, तो अभी के लिए हम यहीं पर रुकते हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, मुलाकात करेंगे हम लोग है ना अब 29 या 30 को, ठीक है। चलिए, बाय गाइस।